अंग्रेज बहुत सुने, क्योंकि अंग्रेजी तो आप में आप जब नहा के निकलते हैं तो बहुत उनको बिल्कुल साफ कर देते हैं, शीशा आपका गंदा नहीं, किवाड़ में आप आवाज नहीं करते, चादर आपकी कभी खराब नहीं होती, ये सारी बातें उसने राजा ने कितनी कह डाली। तो उसने कहा, हमने कहा ये क्यों होता है, मैं बोलती मिथ्या और सत्य की व्याख्या कर रहा हूँ। मैंने कहा मालूम है ये क्यों ऐसा करते हैं, तुम्हारे घर में आवाज क्यों नहीं हो रही है, तुम्हारे घर में किवाड़ की आवाज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि 24 घंटे हमारे चित्त में संस्कार में है कि हम तुम्हारे घर में रह रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में सावधानी बनी हुई है। और जहां हमारा घर है या हमारी जहां कुटिया है वहां न जाने कितनी बार कपड़े पहन जाते हैं, न जाने कितनी बार चादर जो है भूले जाती है, कभी तकिया ऐसी होती है, कभी किताब खुली रह जाती है, कभी पैन खुला रह जाता है। उसका कारण क्या है, जब तक हम ये ध्यान रखेंगे कि हम तुम्हारे घर में हैं तब तक हमारा व्यवहार ऊंचा है, और जिस दिन हम मान लेंगे ये तो सब हमारा है तो उस दिन व्यवहार भी हो जाएगा। इसलिए संसार में व्यवहारिकता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि संसार को मिथ्या माना जाए, संबंधों को मिथ्या माना जाए, मिथ्या मानेंगे तो सावधानी बने रहेंगे, सुनने में आपको बात अकुटी लग सकती है लेकिन परम सत्य बात है, जहां आपने सावधानी गड़बड़ की तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे मित्र मित्र हो, चाहे स्वामी और सेवक हो, सब में जो भाव जो है बिगड़ जाएगा क्योंकि आपने सावधानी खत्म कर दी। सावधानी व्यक्ति मुंह से कहता है, हम तो आपके हैं, आप हमसे चिंता मत करिए, जो इच्छाओं बोल दीजिए, ये जो भी व्यक्ति बोल रहा हो उससे बहुत सावधान दीजिएगा, मुंह से बोल रहा है, हम तो आपके अपने हैं, हमसे आप व्यवहार मत जो भी मत रखिए, हमसे ये मत करिए, उससे सावधानी पक्का रखिएगा, नहीं तो आपका संन्यास बिगड़ जाएगा। ये सन्यासी होती है कि सन्यासी क्या करता है, बोले सबके साथ संग रहकर कहीं भी असंग रहता है। क्या बात है, जैसे खरबूजे के बीज खरबूजे में रहता है, लगता है कि बिल्कुल लिप्त है लेकिन वो निर्लिप्त होता है क्योंकि उसका बीज तत्व जो है, बीज तत्व जो उसका है बीजे का। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक सेकंड के बाद आप उसको खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन विचित्र बात है, जो ये कहा जाता है कि आत्मा एक है और आत्मा अमर है, उसको प्रमाणित कैसे करेंगे आप, मनुष्य मर गया उसका प्रमाण नहीं, चला गया कहाँ चला गया, कौन निकल गया, कौन आया था, लेकिन बीजों की दुकान में जो बीज रखे रहते हैं वो तो सब मर चुके हैं, वो तो सब निकल के रखा के अंदर पैकेट में बंद है, ना तो कोई हवा जा रही है ना कुछ जा रही है, लेकिन विचित्र बात है आत्मा उसके अंदर जीवित है। आत्मा अगर उसके अंदर जीवित ना हो तो 2 महीने के बाद, जो 3 महीने 6 महीने के बाद भी बीज बेच जाते हैं, 6-6 महीने तक जो बीज रखा हुआ है और हम समझ रहे हैं वो मर गया, वो तो सूख गया, लेकिन उसमें जो आत्मा का तत्व है, आत्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, वो तब दिखाई देगा जब उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, अनुकूल समय मिलेगा, उसको जमीन में जब बो दिया जाएगा तो वही आत्म तत्व जो है दोबारा से निकल करके पैदा हो जाएगा। आत्मा जो है एक ही है, एक ही तत्व है, और इस आत्मा को के अद्वैत तत्व को द्वैत बना करके बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, स्वामी जी महाराज एक दिन कहे थे बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन की व्याख्या कीजिएगा, तो बुद्ध विश्राम और सकल जन रंजन ये 2 प्रकार की कथा नहीं होती है, कथा तो होती है एक ही प्रकार की, बुद्ध को उसमें विश्राम मिलता है और जन को उसमें रंजन मिलता है, इतने अंतर है। उसी तत्व को बुद्धिमान व्यक्ति सुन करके उसमें रिसर्च करता है, उसमें शोध करता है, इसमें कौन कौन सी बात कही गई और उसकी कहां कहां शाखा जाती है और ये कौन कौन से ग्रंथ से कौन कौन से सूत्रों से सम्मत है, क्योंकि जब तक वेद सम्मत कोई वक्तव्य ना हो तो उसको असंगत माना जाता है। हमारे यहाँ जितना भी वक्तव्य है नाना पुराण ने
रामायणी नीर कुछ धन तो भी स्वागत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निवल मति मंजिल माधुरी। बोलिए भाषा में हमने निबंध कर दिया लेकिन वस्तु का ये तो जो है वो राम तत्व है, वो एक ही तत्व है और अपने सुख के लिए हमने किया है और वेद पुराणों से स्मृतियों से सबसे वो सम्मत है। सबसे सम्मत अगर नहीं होगा इसका तात्पर्य हुआ वही सजन मूल इंद्र सरकर नाही बरस गए बोली तबाई सुखाई। बोले जिसका मूल समुद्र नहीं है वो सूख जाएगा, इसीलिए अपने मूल से जुड़े रहना। अब आप देखिए जब हनुमान जी महाराज श्री सीता जी के पास गए तो जाने के पश्चात पहले तो तरु पल्लव रहा लुलाई करें विचार करो का भाई। हमारे शरीर में तीन वस्तुएं देखिए तीन भाग है, एक कर्म भाग है, एक हृदय भाग है और एक मस्तिष्क भाग है, तीन भाग है। तो वेदों में जैसे शरीर में आपके तीन भाग हैं, वेदों में भी तीन प्रकार के मंत्र हैं। कर्म प्रधान मंत्र भी हैं, भक्ति प्रधान उपासना प्रधान मंत्र भी हैं और ज्ञान प्रधान मंत्र भी हैं। तो जैसे ज्ञान और भक्ति और कर्म एक ही शरीर में समाहित हैं, इसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी व्यवहारिक होना चाहिए, हमारी भक्ति भी व्यवहारिक होना चाहिए और हमारा कर्म भी व्यवहारिक होना चाहिए। जिसका पैर फिसलता है और जो व्यक्ति चलता है दोनों में अंतर क्या है? व्यक्ति जब फिसलता है तो चलने वाले की तुलना में ज्यादा आगे चला जाता है, चलने वाला थोड़ी देर में चलेगा लेकिन फिसलने वाला जो ऊपर की सीढ़ी से गिरेगा वो उतरने वाले की तुलना में ज्यादा रहते नीचे आ जाएगा। तो क्या आप उसकी प्रशंसा करेंगे? इनकी चाल तो बहुत अद्भुत है, हम तो इसको जीने से ऊपर से नीचे उतरते तो दो मिनट लगते ये तो एक सेकंड में नीचे उतर गए। तो जो लोग अपने ज्ञान और अपने कर्म और अपनी भक्ति को व्यवहारिक नहीं व्यवहारिकता उसकी नहीं जानते हैं तो वो समझते हैं कि हम और विस्तार कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। लेकिन विचित्र बात है बहुत विस्तार के लिए भगवान राम ने शबरी जी को कह दिया था। प्रथम भगत संतन कर सकता दूसरी रख दूसरी रत्न कथा प्रसंगा गुरु पर सेवा तीसरी भगत अमान चौथी भगत मम गुणगन करे कपट गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ दम शीर विरत बहु करना। बोले छठ दम शीर विरत बहु करना, बहु करना का तात्पर्य फिसलना नहीं चाहिए, बहुत चीजों में पैर डालेंगे ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो, मालूम है संसार की दृष्टि से तो आप बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे लेकिन आपका मूल उखड़ जाएगा, मूल उखड़ जाएगा। परिणाम क्या होगा? जिस पेड़ का मूल उखड़ जाता है वो थोड़े दिन हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं लेकिन बाद में वो सब सूख जाता है और लकड़ी जलाने की काम आती है। छठ दमशील विरत बहु करना माने एक समय में आप बहुत से काम करना चाहेंगे तो आपका मूल खत्म हो जाएगा, आप कहां पर अपनी निष्ठा से अलग हो जाएंगे, यहां पर किया ये भी कर लें यहां पर किया ये भी कर लें, सब करने के चक्कर में सब सूख जाएगा, ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें। छठ दमशील व्यर्थ वो कर्मा निरत निरंतर सत्यन धर्मा साधन सम कितनी बड़ी बात कह दी गई। नौवीं बात क्या है? सबसे सरल व्यवहार करे लेकिन आप उसका गीता प्रेस में जो पुस्तक छपी है रामचरित मानस की उसका अर्थ पढ़ लेंगे तो आपको इसका तात्पर्य ये समझ में इसी नहीं आ पाएगा, क्योंकि भगवान ने जो जो कहा वो तो है ग्रंथ में,
और भगवान जो जो कहना चाहते हैं वो होता है सत्संग। क्या बात है, क्या बात। जो जो भगवान ने कहा वो तो ग्रंथ में लिखा हुआ है, और जो भगवान कहना चाहते हैं वो सत्संग होता है। और यदि सत्संग में ना होता तो रामकृष्ण मठ जो स्वामी जी ने चौपाई दी थी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानि। अरे भक्ति तो स्वतंत्र है, सारे गुणों की खानी है, कि बिनु सत्संग न पावई प्राणी। तो सत्संग में क्या बताया जाता है, अब सत्संग में जो नौवीं भक्ति है उसका प्रतिपादन मैं करता हूं। नवम सरल सब संग चलिना, पूरे नौवीं भक्ति में यह है कि सबके साथ सरलता का व्यवहार करें। तो ऐसे संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत व्यवहार कुशल है, बहुत व्यवहार कुशल है, बहुत सरल व्यवहार करते हैं, उनके अंदर कपट कहीं दिखाई नहीं देता, सबका दिल जीत लेते हैं। ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ आपने सुना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, सरलता सहजता दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार यदि हमारे जीवन में उपादान के रूप में आ जाए तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। यदि सरलता का हम उपयोग करने लगे, नम सर सब सन चलना, कपट बिल्कुल ना करें, सही हो जाए, जब तक इतने गुण हमारी बुद्धि के विषय रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं मूल जगह पे हम टकरा के गिर जाएंगे। भगवान राम ने परशुराम जी से जो व्यवहार किया, भगवान राम ने सुग्रीव से जो व्यवहार किया, भगवान राम ने हनुमान जी से जो व्यवहार किया, भगवान राम ने कैकेयी जी और केवट और भरत से जो व्यवहार किया, कहीं पर भी आपको कहीं पर भी एक बार भी आपको असंगति नहीं लगेगी। असंगति क्यों नहीं लगेगी, उसका कारण क्या है, जो गुण है नौ बताई नौ भक्तियां, वो जिसके जीवन में सहज स्वरूप बन जाएगा, सहज स्वरूप। जैसे व्यक्ति के चित्त में कोई महात्मा थे, किसी गांव में रहते थे, अपनी जाति नहीं बताते थे, मैं किसका पुत्र हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मेरा गांव है, यही नहीं बताते थे। तो गांव वाले बहुत लोग जो हैं बड़े परेशान होते थे कि स्वामी जी आखिर कहां के हैं, लेकिन वो वर्षों से किसी कुटिया बना के रहते थे। एक लड़का आया उच्छृंखल, उच्छृंखल आया, लेकिन उसके उच्छृंखलता ने वो जो स्वामी जी अपने सरल स्वभाव से बहुत विख्यात थे, अपने बड़े निष्कपट व्यवहार से विख्यात थे, दूसरे के हृदय के जीतने के लिए बड़े विख्यात थे, उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने कहा मैं कल बता दूंगा ये किस जाति के हैं। उस लड़के ने कहा कल मैं बता दूंगा कि स्वामी जी किस जाति के हैं। तो उसने बड़ा विशेष काम किया, स्वामी जी सो रहे थे, स्वामी जी जब सो रहे थे उसमें छोटी सी लोहे की छोटी सी उसने कोई चम्मच वगैरह ऐसा लिया और मोमबत्ती में उसने लगाया, और मोमबत्ती में लगा के उसको गर्म कर लिया, और गर्म करते करते स्वामी जी के अंगूठे में पैर के अंगूठे में जरा सा लगा दिया, जहां लगाया तो स्वामी जी बोले सूचे, तो बोले गुजराती है, गुजराती है। उसने कैसे बताया गुजराती है, बोले बुद्धि से ये अपनी जाति नहीं बताते, लेकिन इस समय बुद्धि को जागृत करने से पहले हमने इनको जला दिया, और जहां इनके शरीर को कष्ट हुआ तो इनका मूल रूप आने लगाया। मूल उसका कारण क्या है, जब प्रतिकूलता होती है तो मूल रूप निकलता है और अनुकूलता में मूल रूप छुपा दिया जाता है। इसलिए नवम सरल सब सन छलिना, नौवीं भक्ति में भी क्या है, सारे संसार से हम छलहीन व्यवहार करें, लेकिन छलहीन व्यवहार करते समय सरल व्यवहार करते समय अपने किसी भी गुण से दूसरे से कोई आशा ना करें। यह है नवम सरल सब सन छलिना। जैसे गाय का आप फोटो खींचे या गाय का फोटो आप ना खींचे,
गंगा जी का आप फोटो खींचे या गंगा जी का फोटो आप ना खींचे, गाय से गाय को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, गंगा जी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कई संतों का आपने सुना होगा वो किसी से पैर नहीं छुड़ाते। एक बाबा जी के बारे में हमने सुना, उनका नाम था बंडा बाबा, केवल बंडे ही खाते थे। कोई आलू खाता है केवल, कोई बैंगन खाता है केवल, कोई रात भर चखता है, कोई दिन भर चखता है, कोई फोटो नहीं खिंचवाता है, कोई फोटो खिंचवाता है। विचित्र बात है, फोटो ना खिंचवाना, पैसा ना लेना, ये सब चीजें जितनी है ये सब मालूम है क्या है, तो ये केवल उपादान है। फोटो ना खिंचवाना, जब हम कहते हैं हम किसी से फोटो नहीं खिंचवाएंगे और एक व्यक्ति कहता है कि हमारा कोई फोटो खींचे, तो आपको जब ये सुनेंगे कि ये फोटो नहीं खिंचवाना चाहता है तो आपकी बड़ी श्रद्धा हो जाएगी, अरे वाह ये शरीर से ऊपर उठे हुए हैं अपना फोटो नहीं खिंचवाना चाहते। लेकिन विचित्र बात है, फोटो ना खिंचवाने की इच्छा और फोटो खिंचवाने की इच्छा के मूल में क्या अंतर है? दोनों के मूल में शरीर है और दोनों के मूल में अहम है। एक कह रहा है हमारा फोटो खींचो और एक कह रहा है कि हमारा फोटो मत खींचो। मत खींचो का तात्पर्य मैं शरीर हूं, मेरा फोटो मत खींचो। और जो दोनों से ऊपर होगा वो ना तो फोटो खिंचवाने की इच्छा रखेगा और कोई खींच लेगा तो बुरा भी नहीं मानेगा, क्योंकि गाय गंगा मंदिर शंकर जी का यहाँ बड़ा दिव्य पूज्य स्वामी जी महाराज की जयंती के संदर्भ में महाराज जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पूजन किया था, तो शंकर जी का फोटो हमने भी लिया, शंकर जी तो मना नहीं किया। तो शंकर जी से ऊपर हो जाते हैं कि हमारा फोटो मत खींचो, जो हनुमान जी से ऊपर हो जाते हैं। आजकल एक नई प्रथा चली, एक प्रथा चली है लोगों को दिग्भ्रमित करने, उनमें दिग्भ्रमित करने वालों में कौन कौन सी बातें हैं? हनुमान जी को स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए, खूब प्रचार किया जाता है। शालिग्राम जी को स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए, उनसे जरा पूछा जाए कि आपको छूने तब तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना। हनुमान जी को स्त्रियां ना छूने और शालिग्राम जी ना छूने, ये कहां से आप कौन सा तत्व ज्ञान आता है, उसका कारण क्या है? अरे आत्मा से आप कभी अलग हो सकते हैं क्या? हनुमान जी आत्मतत्व तो है, आप ये आत्मा में हैं। अरे वो तो स्त्री में भी है, वो पुरुष में भी है, वो पत्ते में भी है, वो जड़ में भी है, वो तने में भी है, वो सन्यासी में भी है, वो बाणस्थ में भी है, वो ग्रस्त में भी है, वो बच्चे में भी है, वो युवा में भी है, सबके अंदर है। तो आप जितनी देर के लिए शरीरधारी हैं, हम जितनी देर के लिए शरीरधारी हैं, उतनी देर के लिए नियम बनाना तो अच्छी बात है कि किस समय छूना चाहिए किस समय नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, क्योंकि विचित्र बात है, जिनको छूने के लिए आप मना करते हैं आप अपने अपने पिंजरे में लोगों को बंद कर रहे हैं कि नहीं? पिंजरे से यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? आप सबसे क्यों नहीं जुड़ जाते? समन्वय स्वामी जी महाराज ने कितना सुंदर नाम दिया अपने संस्थान को, समन्वय, इसी को कहते हैं संन्यास। उस महापुरुष ने जब समन्वय नाम दिया, आप उसके उस महापुरुष के हृदय में जाइए ना, उसके हृदय में जाएंगे तब आपको पता चलेगा उनके हृदय में क्या था। उनके हृदय में था कि सब लोग आपस में समन्वय। एक सज्जन ने हमसे कहा कि हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये बताइए इसमें सही क्या है? और पूछ सुन रहा है एमबीबीएस डॉक्टर, हार्ट का स्पेशलिस्ट, जो दूसरों का रोग ठीक करता है, जो इतनी शिक्षा उसने प्राप्त की, इतना विस्तार किया, इतना बड़ा घर बनाया, ना जाने कितने लोग उस पर आश्रित हैं, उसको अभी यही नहीं पता है कि इधर से ठीक है कि उधर से ठीक है। बस कमल की जो पंखुड़ी होती है वो आप अपनी तरफ से गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे आठ, इधर हो जाएगी,
इधर से गिरेंगे आठ उधर हो जाएगी, तो इधर से गिरेंगे तो इधर वाली आठवीं होगी, इधर से गिरेंगे तो उधर वाली आठवीं होगी। तो हमने उनको कहा कि आपका घर कितने तले का है, बोले एक तले का, सीढ़ियाँ कितनी है, बोले दस। हमने कहा दस सीढ़ी में पहली सीढ़ी का नाम नीचे वाली है ऊपर वाली, पहली सीढ़ी नीचे वाली है ऊपर वाली, बोले नीचे से ऊपर जाना होता है तो नीचे वाली और ऊपर से नीचे आना होता है तो ऊपर वाली। हमने कहा हरे रामा में ठीक, हरे कृष्णा में ठीक। छोटी सी बात है, सामान है, इसमें कोई कोई मतभेद नहीं है। हम अपने मत को मतांतर कर रहे बिना मतलब में राम कृष्ण तो एक है, वो आत्म तत्व है, कहीं फिर वो श्री हो जाता है, कहीं वो भगवान हो जाता है, कहीं वो शक्ति हो जाता है, कहीं वो दुर्गा हो जाता है, कहीं वो गणेश, कहीं वो शिव, कहीं कुछ हो जाता है। उसका कारण क्या है, जैसे आपके हाथ में अनेक प्रकार के अंग हैं, सबके नाम अदा कर रहे हैं, ये भेद अगर ना होता सब आत्म तत्व बता देते, और तो आप डॉक्टर के पास जब जाते और आप ये कहते जाके हमारे आत्म तत्व के को दर्द हो रहा है, आप जब ये कहें डॉक्टर से जाकर के हमारे आत्म तत्व में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा आपका आत्म तत्व है कहाँ। अरे आत्मा की दृष्टि से शरीर पूरी आत्मा है, उनमें उंगली में भी आत्मा है, सर में भी आत्मा, आप में भी आत्मा, तो आपको उस आत्मा का खंडित भेद बताना पड़ेगा कि दर्द कहाँ हो रहा है। तो जितना ये भेद दिखाई दे रहा है वो ये भेद के लिए नहीं है, ये अभेद में स्थित होने के लिए ये भेद किया गया है, जानबूझ करके किया गया है। तो हमारे जीवन में जो हमारा वेद संबद्ध बात जो होगी, वेद संबद्ध हमारी क्रिया होगी और वेद संबद्ध हमारी भक्ति होगी, तो हमारा मालूम क्या होगा, जो मस्तिष्क जो सोचेगा हृदय उसी को स्वीकार करेगा और पैर और हाथ से हम वही करेंगे। इसीलिए ज्ञान भी हमारा व्यवहारिक होना चाहिए, भक्ति भी हमारी व्यवहारिक होना चाहिए, और ज्ञान और भक्ति जब व्यवहारिक होगी तो कर्म हमारा व्यवहारिक जरूर होगा। यही है वेद की व्याख्या। आपके शरीर की जो व्याख्या है वही वेद की व्याख्या है, वही राम से मानस की व्याख्या है। तो श्री सीता जी भगवान राम के साथ जब चल रही हैं तो कैसे चल रही है, तो प्रभु पद देह बीच बीच सीता धरत चरण मग जल सविता। लोग कहते हैं प्रेमियों में डर नहीं होना चाहिए, प्रेमी जो है वो तो प्रेम से बात करते हैं, प्रेम में आपस में दोनों में डर की क्या जरूरत है। लेकिन विचित्र बात है, आप निर्भयता के नारे कितने भी लगाइए, निर्भयता को आप हेडलाइन कितना भी बनाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी निर्भयता जो है वो मंडित और विभूषित तब होगी जब आप अपने जीवन में धर्म स्वीकार कर लेंगे। किसी ना किसी का भय हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि श्री सीता जी चल रही है कैसे, प्रभु पद देख बीच बीच सीता धरत चरण।